नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई फ्लू एक आम इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया से हो जाता है। इसे आम भाषा में हम आंख आना भी कहते हैं। दोस्तों, इस रोग में आंख लाल हो जाती है, आंखों में दर्द होता है और आंख से पानी आने लगता है। इसका मुख्य लक्षण है आंखों में चुभन होती है, आंख खोलने पर काफी दर्द होता है और साथ ही रोग बढ़ जाता है तो एक गाढ़ा पदार्थ भी इसमें से निकलता है। जब हम रात के टाइम सो जाते हैं तो हमारी आंखें चिपक जाती है जिसे खोलने में काफी तकलीफ होती है। दोस्तों, ये एक संक्रमण रोग है जिसे हम छुआछूत का रोग कहते हैं। यानी रोगी व्यक्ति की यदि हम तौलिया या रुमाल का यूज करते तो ये रोग हमें भी हो सकता है। यानी आप समझे, ऐसे एक रोगी व्यक्ति अपना रुमाल आंखों पे लगाता है, उस रुमाल को आपने भी आंखों पे लगा लिया तो इससे भी आपको हो जाएगा। या ऐसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक रोगी व्यक्ति जिसको ये रोग हो रखा है आई फ्लू, उसने अपनी आंखों पे हाथ लगाया, फिर उस हाथ को आपने उससे हाथ मिलाया। अब जिसने हाथ मिलाया उसने अपने हाथों को अपनी आंख पे लगाया तो उसे भी ये रोग हो सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं इसके उपाय के बारे में। पहला उपाय, मुलेठी को 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखे, उसके बाद आप रुई को पानी में, वो जो मुलेठी का पानी है उसमें आप डुबोए रुई को, और रुई को अपनी पलकों पर इस तरह से रख के थोड़ी देर के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपकी आंखों का जलन और आपकी आंखों का दर्द समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, आधे गिलास पानी में आप 2 चम्मच त्रिफला चून डाले, 2 घंटे के लिए भिगो दे, उसके बाद आप छान ले। छानने के बाद जो पानी बचा है उस पानी से अपनी आंखों पर छिटा दे। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। इससे करने से आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आपकी आंखें चुभ रही है या लाल हो रही है, उसमें आराम मिलेगा। तीसरा उपाय, नीम के पत्तों को पानी में भिगो के रख दे, उसके बाद इसे अपनी आंखों को धोए। धोने के बाद गुलाब जल को अपनी आंखों में डाले। ऐसा करने से आपकी आंखों में आराम मिलेगा, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। आपकी आंखों में जलन हो रही है या चुभन हो रहा है, दर्द हो रही है, इससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा। चौथा उपाय, आप जब रात के टाइम सो जाते हो, सुबह उठते हो तो अपनी थूक से, इस तरह थूक से जिस तरह आप काजल लगाते हो उस तरह अपनी आंखों में लगाए, इससे भी आपकी आंखों को काफी आराम मिलेगा। पांचवा उपाय, हरड़ को आप रात भर भिगो के रख दे और सुबह उठ के पानी को छान ले और उस पानी से अपनी आंखों पर छींटा दे। इसे करने से भी आपकी आंखों से जलन या जो आपकी आंख में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। छठा उपाय, हरी धूप को पीस ले, पीस कर उसके रस निकाल ले, और अब आप रुई को उस रस में डुबोए और आप लेट के रुई को अपनी पलकों पर रख ले, आंख बंद करके अपनी पलकों पर रख ले। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और आपकी आंखों की जो तकलीफ है वो दूर होगी।